धामपुर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर के समस्त वार्डों से 3-3 स्वच्छ घर को चिन्हित कर उन्हें कूड़ा पृथक कर सफाई मित्र को देने के लिए जानकारी दी गई तथा 2 अलग अलग नीला व हरा कूड़ेदान उपलब्ध कराया गया। इस दौरान प्रत्येक वार्ड के 3-3 सदस्यों को अपने घर में आसपास स्वच्छ रखने पर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष चौधरी रविकुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी सहित पालिका स्टाफ, समस्त सभासद और नगर के लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मेरे साथी सभासदगण, जो साहब और पालिका परिवार, पत्रकार मंत्री, किसी भी कार्य के लिए सरकार की कोई सी भी योजना हो, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी वो सफल नहीं हो सकती। नगर पालिका अपने स्तर से कितने भी प्रयास कर ले, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो उसका सफल नहीं हो पाएगी। मोदी जी की योजना जो सफाई की है, मुझे याद है 2014 में जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती से ये सफाई अभियान चलाया था। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, तो हमने भी गांव जाके जयतरा वगैरह में जाके खुद ही झाड़ू लगाने का कार्य करा था। वो एक सांकेतिक होता है कि किसी को भी सफाई करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम सब लोग अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, किसी के घर में कर्मचारी भी, लेकिन अक्सर जैसे मैं सनातन परिवार से आता हूँ तो घर की जो लेडीज होती है सुबह को 5 बजे घर को कहते हैं कि वो करना, क्या कहते हैं उसको, करना पसंद करते हैं, खुद ही झाड़ू लगाना, ताजा करना उसको पसंद करती है। वो तो हमारे सनातन धर्म में है कि सबसे पहले उठ के अपना घर की साफ करना। अगर ये सब हम लोग अपने आप में करेंगे परिवर्तन, अपना घर साफ रखेंगे, अपना आस पड़ोस साफ रखेंगे, तो निश्चित रूप में मानिएगा हमारा धामपुर स्वस्थ होगा। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो गंदगी से होती है, अगर हमारा सा वातावरण साफ होगा, आसपड़ोस साफ होगा, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। मैं मानता हूं कि नगर पालिका की भी कमी रही है। कई जगह से हमें ये शिकायत मिला करती थी कि आज ये रिक्शा जो कूड़े वाली होती है वो नहीं आई। इसके लिए हमने पिछली बार भी 6 रिक्शा किराए की थी और इस बार हमने 6 रिक्शा दी है हमें कूड़े वाली। हमारा प्रयास है जहां नगर पालिका की कमी है किसी भी प्रकार से, कूड़े वाला नहीं आ रहा है, सफाई वाला नहीं आ रहा है, नाली साफ करने वाला नहीं आ रहा है, पहली जिम्मेदारी हमारी है कि नगर पालिका अपनी कमी को दूर करे, वो हम हर सब प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जहां पर आपको नगर पालिका की कमी दिखती है, आप बेहिचक नगर पालिका को बताइएगा, चाहे तो मुझे डायरेक्ट बता दीजिए, हिंदू साहब को बता दीजिए, नितिन बाबू को बता दीजिएगा, अपने वार्ड मेंबर को बताइएगा कि आज सफाई वाला नहीं आया, नाली साफ करने वाला नहीं आया, झाड़ू लगाने वाला नहीं आया, और जो भी आपके सुझाव होंगे वो आमंत्रित होंगे आपको स्वच्छ बनाने में